स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज का जो वीडियो मैंने शूट किया हुआ है, ये मैंने शूट किया हुआ है गोप्रो हीरो 9 से मैंने शूट किया हुआ है। तो ये कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दिखा दी थी, उसके अंदर कि हमने गोप्रो 9 मंगाया हुआ है और साथ में उसका स्टैंड भी मंगाया था। तो आज मैंने शूट किया हुआ है वीडियो, तो पूरा वीडियो जो है ये गोप्रो से ही हमने शूट किया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को देखिए और फिर कमेंट करके आप बताइएगा कि जो मैं पहले मोबाइल से शूट करती थी वो आपको अच्छा लगा या फिर इससे शूट किया हुआ कैसा लगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब हम चलते हैं, आज हम जाने वाले हैं हमारे घर के थोड़े से 5 किलोमीटर की दूरी पर, 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन स्टूडियो है और उमरगाम का बीच है। तो आज हम चलेंगे वहाँ पर, ऐसे बस चेक करना था कि ये जो गोप्रो हमने लिया है ये कैसा है। तो इससे वीडियो शूट करेंगे और आप लोग को वहाँ का लोकेशन भी दिखाएंगे और चेक करेंगे कि ये गोप्रो का वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है। और क्योंकि हम जो वीडियो बनाएंगे अब सारा वीडियो इससे शूट होने वाला है और अब इससे हम लोग मोटो व्लॉगिंग भी करेंगे और जो डेली का मेरा ब्लॉग रहेगा वो मैं इससे ही शूट करने वाली हूँ। तो अब चलते हैं हम लोग और आप भी हमारे साथ चलिए वृंदावन स्टूडियो। और आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पे हम पेट्रोल भराने के लिए आए हैं, फिर यहाँ से अभी चलेंगे रोड पे, तो रोड का आप लोगों को वीडियो बना के दिखाएंगे कैसा बन रहा है। मैंने कोई अपने ओर से कोई एफर्ट नहीं लगाया है,
लोग ना जब GoPro खरीदते होंगे तो अपने ओर से बैच करने की कोशिश करते होंगे कि अच्छे से बने, लेकिन मैंने चेक किया है कि कैसा बनता है। तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे, अभी तो क्या है कि मुझे खुद को भी नहीं पता क्योंकि वीडियो बन रहा है, तो जब इसको एडिट करेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। और आवाज़ भी कैसी मेरी पहुँच रही है आप तक कि नहीं पहुँच रही है ये भी तो बाद में पता चलेगा। अब देखते हैं, हम लोग पहुँचने वाले हैं आर टाउन में, आप देख सकते हो ये हम पहुँच गए हैं चुना उमरगाम, आगे टाउन है तो टाउन में हम पहुँचने वाले हैं। आगे टाउन है, टाउन में हम नहीं जाएंगे, हम सीधा टर्न ले लिए हैं, अब यहाँ से निकल जाएंगे हम उमरगाम बीच पे। और सामने जो आप देख रहे हो ये उमरगाम का पुलिस चौकी है। तो अब हम है, आप देख सकते हो द अकृता एकेडमी, आप देख सकते हो द अकृता एकेडमी, काफ़ी बड़ा है स्कूल, कॉस्टली भी है लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे क्या है कि बच्चों को हर चीज़ की सुविधा भी यहाँ पे दी गई है, मतलब हर तरह की फैसिलिटी भी है। अभी आप देख सकते हो ये रास्ता बंद है उमरगाम बीच पे जाने का, तो अब हम यहाँ से गाड़ी घुमाएंगे, अब बीच पे जाने का हम कुछ शॉर्टकट रास्ता हम ढूंढेंगे। यहाँ पे देखोगे ये क्रिकेट प्लेग्राउंड है, तो यहाँ पे सारे बच्चे बड़े सब लोगों का यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, तो लोग खेलते हैं ज़्यादातर उमरगाम के जो ये उमरगाम का जो है आप देख सकते हैं कोर्ट है, ये कचहरी है अंदर है, ये यहाँ से एंट्री होता है, आगे से भी होता है। आप देख सकते हैं हम लोग वृंदावन स्टूडियो पहुंच चुके हैं, और ये जो व्यू दिखा रही हूँ ये वृंदावन के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है। और ये वैनिटी वैन है जिसके अंदर लोग रेडी होते हैं, और एक घर जैसा ही ये होता है, और एक यहाँ पे भी बस है, लेकिन ये सब क्या है इस समय बारिश के मौसम में पड़ी एकदम ख़राब हो चुकी है, अब ये भंगार के भाव में निकाल देंगे। और यहाँ पे लिखा है नो विजिटर्स अलाउड ड्यू टू हेल्थ सेफ्टी, बट हम अंदर जा सकते हैं, पूछ लेते हैं वॉचमैन से, पूछ लेते हैं अंदर जा सकते हैं, नहीं है परमिशन। अच्छा अभी इसमें कोई शूटिंग वूटिंग चल रही है? कुछ भी नहीं, हाँ गोवाडा में हो रही है, लेकिन वहाँ पे भी हम गए थे तो वहाँ पे कह रहे थे कि बंद है। हम लोग पहुँच चुके हैं दरिये पे, अब दरिये पे जा रहे हैं अंदर की साइड में। आप यहाँ का सुंदर सा नज़ारा देखिए, ये है सरू का झाड़ और ये है दरिया, देखो मैं अभी दौड़ रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। मैंने ये जो वीडियो लिया है अभी ना थोड़े दूर का, ये मैंने दौड़ के लिया है। ये जो जगह है जो मैंने अभी आप लोग को दिखाया, यहाँ पे रामायण महाभारत की शूटिंग हुई थी, और आगे ना ये आप लोग को दिखाऊंगी तो जो राम सेतु का जो ये राम जी ने बनाया था लंका जाने के लिए रास्ता, जो राम सेतु कहते हैं, वो भी आगे दरिये में ही है, दरिये में बनाया दिख रहा है यहाँ से। तो ये अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे रामायण महाभारत की शूटिंग हुई है, और अभी जो राधा कृष्ण का जो सीरियल का शूटिंग चल रहा था वो भी यहाँ पे ही हुआ है। ये पूरा जो पीछे का आप देख रहे हैं ये सब शूटिंग वाले, मतलब यहाँ पे ना सिर्फ शूटिंग वाले ही घूमते रहते हैं। हाँ तो अब मैं थोड़ा सा दौड़ना चाह रही हूँ कैमरे के साथ, GoPro Hero 9 लिया है तो थोड़ा इसका आज टेस्टिंग चल रहा है,
दरिया आपने देख लिया होगा, थोड़ी मैं काली काली दिख रही हूँ क्योंकि लाइट मेरे चेहरे पर नहीं पड़ रही है। बाल भी उनके पूरे ख़राब हो चुके हैं मेरे। हर बार मैं वीडियो बहुत बनाने पर बहुत फोकस करती थी कि ही लेना अच्छे से बने, लेकिन इस बार मैंने कोई मेहनत नहीं किया है। बहुत नाम सुना था GoPro का और एक सबका ड्रीम होता है, तो मेरा भी एक ड्रीम था कि GoPro होना चाहिए वीडियो बनाने के लिए। तो GoPro ले ली और कल आया और आज हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी आप जाके देखते हैं कैसा बना है, क्लैरिटी कैसी है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, सब कैसा है। हो आवाज़ कैसी है, वॉइस क्वालिटी भी चेक करेंगे। हो थक गए पापा। ओम नमः शिवाय। ऊपर आ गए, यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा हवा चल रहा है और आगे का दरिया बंद था इसीलिए हम लोग पीछे वाले दरिए पे आए। यहाँ पे भी भीड़ तो है ही। नंदी बाबा भी यहाँ पे हैं। हाय नंदी बाबा तो हैं यहाँ पे, माता भी हैं, गौ माँ भी हैं। तो अब हम चलते हैं घर पे और घर पहुँच के फिर चेक करते हैं वीडियो कैसा बना है।